नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरंगाबाद के संस्थापक प्रदर्शक के कलाकारों ने मचाया धूम। पटना में बिहार दिवस समारोह का हुआ समापन। बिहार दिवस में पटना के 3 दिवसीय समापन समारोह में पथ प्रदर्शक के कला जत्था टीम से साथ साथ सचिव बमेंद्र कुमार सिंह ने भी मंच पर मचाया धूम। पटना के गांधी मैदान में कृषि विभाग के मंच पर भूमि संरक्षण की तरफ से औरंगाबाद के स्वयंसेवी संस्थापक प्रदर्शक के कला जत्था टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कलाकारों द्वारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत हर खेत तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य, भूमि संरक्षण और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल छाजन विकास 2.0 की योजनाओं की जानकारी नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के माध्यम से दिया गया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 के बायलनवा हर खेत में पानी पहुंचे यही बा पलनवा गीत पर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग झूम उठे। साथ ही भूमि संरक्षण बिहार के निर्देशक वेंकटेश नारायण सिंह द्वारा लिखित नाटक खुशहाली की डोर का मंचन किया गया, जिसे दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया। नाटक के साथ साथ कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। निर्देशक वेंकटेश नारायण सिंह और सहायक निर्देशक डॉक्टर चंचला प्रिया के नेतृत्व में गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। पथ प्रदर्शक के सचिव बमेंद्र कुमार सिंह ने भी नाटक खुशहाली की डोर में पथ प्रदर्शक के सचिव बमेंद्र कुमार सिंह ने मुखिया का किरदार निभाया। बिहार दिवस 2023 के अवसर पर हमारी संस्था के कला जत्था टीम को मौका मिला बिहार दिवस गांधी मैदान में आयोजित कृषि विभाग के मंच पर नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का। और बहुत खुशी की बात है कि बिहार के लिए हमारी संस्था का चयन किया गया। हमारे कलाकारों द्वारा भूमि संरक्षण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना पर प्रस्तुति दी गई गीत संगीत एवं नाटक के माध्यम से। और आज समापन समारोह हुआ, संपन्न हुआ और काफ़ी धूम धड़ाका के साथ जो है समापन किया गया कार्यक्रम का कृषि विभाग के मंच से। और मुझसे भी नहीं रहा गया, कलाकार के साथ मैं भी धूम मचाया। वी टाइम न्यूज़ के लिए औरंगाबाद से प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट।